हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनदर व्लॉग। सो गाइस, आज है 1 जनवरी 2024 और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की मेरी ओर से। हम आके खाना वाना खा के आज भी आ गए काम करने के लिए, क्योंकि आज भी हम लोगों को काम करना है। जो है गाइस, प्लानिंग नहीं है, गांव में होते तो शायद प्लानिंग करते पार्टी वार्टी का। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी देख सकते हैं इधर हम लोगों का साइट है, काम चल रहा है इधर, तो इधर ही काम करने के लिए आए हैं। आगे क्या प्लानिंग होता है, वैसे प्लानिंग तो नहीं है, बट देखते हैं शाम तक में कुछ प्लानिंग हो जाए पार्टी वार्टी करने का। मेरे ना कंटिन्यू ब्लॉग में, और रात को टिकट है घर जाएंगे, और ये ब्लॉग जो है काफी दिनों के बाद आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, तो चलते हैं साइट पे काम करते हैं। तो ये रहा गाइस हम लोगों का साइट, और इधर जो हम लोग सेटरिंग का काम करते हैं, तो बॉटम वोटम टांग दिए हैं, उधर जो है सारा ढक चुके हैं छत वगैरह। और इधर ये देख सकते हैं मरम्बा, ये क्या बना रहे, खैनी। कल जो हम लोगों ने वॉल फिनिश करा था, तो वो वहाँ पे उसमें रोड़ी डल रहे हैं। इधर जीना तैयार कर रहे हैं सारे लोग लगे हुए हैं आज। ये इधर ये रामपाल है, रामपाल ये रहा, और इधर है सारे लोग, ये रहे जो कि जीना यहाँ का तैयार कर रहे हैं। देखो ये राम है यहाँ पे, प्लेट व्लेट इसमें चढ़ेंगे। और इधर देख सकते हैं ये रहा, ये इधर ढक चुका है पूरे। तो इधर मतलब सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये जो कॉलम है, कॉलम के साइड पे जो वो देख सकते होल पड़ा है, तो वही बचा है सिर्फ भरने के लिए। उनको गैप जो है वो भी कंप्लीट करना है। उसके बाद इसमें वो लेंटर डलेंगे, तो कुछ दिन बाद होगा, हम तो चल जाएंगे साथ को। सो इधर देख सकते हैं वॉल डल रहा है इधर ऊपर, तो मसाला वसाला इसमें जो है डाल रहा है मटेरियल। बस ये है बेसमेंट, जो कि नीचे का एरिया, ग्राउंड वाला फ्लोर। देख सकते किस तरह अंधेरा है, अंधेरा नहीं है बल्कि अभी तो मतलब लाइट है, सुबह हुआ है। तो देख सकते कुछ इस तरीके का है, ये हमने नहीं कराया बल्कि कोई और जो है सेटिंग वाले वो सेटिंग कराता है नीचे। तो हम लोग तो ऊपर का, हम लोग को जो है मिला है कॉन्ट्रैक्ट मतलब करने का, वो ठेकेदार ने है, जो हमारे ठेकेदार है उसने ले रखा है काम ऊपर का, तो नीचे का जो है कोई और ठेकेदार ने कर रहा था। तो देख सकते कुछ इस तरीके का है देखने का, अंदर का व्यू उधर से है, उधर भी अंदर है, वहाँ से जीना है एक चढ़ने के लिए, जो कि वहाँ पर अभी लगा रहे हैं जीना पापा लोग। और इधर भी है जीना एक, जैसे कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे है लिफ्ट, और वहाँ से भी मतलब वहाँ से एक गेट है, और यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे दिख रहा होगा, तो वहाँ पे है एक लिफ्ट। इतना ही बड़ा है देख सकते हैं अंदर का एरिया। अब करते हैं काम। फाइनली गाइस हमारा फ़ोन आ चुका है, ये रहा, इधर अनबॉक्स कर रहे हैं इसको, अच्छे से रिव्यू देंगे आप लोगों को, तो दिखाएंगे पहले, ले लेते पहले, रिसीव कर लेते अच्छे से। ये रहा गाइस हमारा फ़ोन आ चुका है, इसको देखते हैं, जो कि मैंने पहले ही इसको अनबॉक्स करके रखा है, आप लोग देखे थे, तो इसको दिखाते कलर कौन सा है। ये रहा फ़ोन, देख सकते हैं ब्लू कलर में, जो कि ये है मोटो, तो ब्लू कलर कुछ ऐसा है लुक, जो कि वहाँ पर अनबॉक्स पहले ही कर दिया था वो कुरियर वाले। तो इसको जो है रिबूट करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, ये आ गया मोटो का लोगो। हेलो मोटो, ये हो चुका है स्टार्ट, नेक्स्ट स्किप, इसको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको पहले साइड में रखते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। ये रहा एक चार्जर, और ये एक कौन सा केबल है, ये रहा टाइप सी ही है, और ये टाइप ए केबल, ये शायद 33 वोल्ट का चार्जर होगा ये। तो फ़ोन को पहले सेटअप कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं सेटअप हो चुका है फ़ोन, और फिंगर जो है देख सकते हैं काफ़ी फास्ट काम कर रहा है, देख सकते तुरंत अनलॉक कर दे रहा है फ़ोन को, देख सकते हैं। और ब्राइट भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन है, इसमें ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है। और देख सकते कैमरा जो है वो OIS है 50 मेगापिक्सल, और दो ही कैमरा दिया हुआ है OIS के साथ। तो फ़ोन तो काफ़ी अच्छा है, लुक काफ़ी, डिज़ाइन जो है वो काफ़ी मस्त है। तो इसका जो है वो कैमरा टेस्ट करते हैं और आपको जो है रिव्यू देंगे, तो आपको आगे वीडियो और इमेज भी देखने को मिलेगा। अभी देख रहे होंगे गाइस यही फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ, देख सकते कैसा क्वालिटी है, देख सकते हैं, और स्टेबलाइजेशन कैसा है OIS के साथ जो है वो शूट हो रहा है, तो मेन कैमरा से। आई लव यू, देख सकते आई लव यू, ये देख सकते कुछ इस तरीके का। और कलर कैसा है वो आप लोग कमेंट करके बताना, और इसका माइक से ही जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है,
अलग से जो है वो माइक नहीं लगा है, तो जो भी हो रहा है वो उसी से हो रहा है, सूट और माइक जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सारा कुछ इसी से हो रहा है। तो देख सकते हैं कलर वगैरह कैसा हो रहा है, तो आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताना वीडियो जो क्वालिटी इसका। तो बाकी तो देख ही रहे हैं, देख सकते हैं बाकी फ़ोटो जो है वो थोड़ा मेरे को पसंद नहीं आ रहा है इनका, बाकी वीडियो क्वालिटी तो करीब करीब ठीक ही लग रहा है, मैं देख पा रहा हूँ अभी तो ठीक ही ठाक लग रहा है। और ये हो रहा है फुल HD मतलब 1080p 60 FPS में, तो 4K तो सपोर्ट नहीं है इसमें, बस 1080p है और उसके बाद 60 FPS 30 FPS बस इतना ही। इसका फ़ोटो वो भी डाल दूंगा तो देख लेना वो कैसा आता है फ़ोटो वगैरह, मेरे को फ़ोटो तो पसंद नहीं आ रहा, बाकी वीडियो तो सही है मेरी। सो गाइस आज जो है देख सकते हैं रात में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज ये छत जो है इधर इतना ढकना है तो इसी वजह से आज ओवर टाइम कर रहे हैं। और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है गांव में, पता नहीं वहाँ पे तो धूप हो रहा होगा, यहाँ तो ये जनवरी दिसंबर 25 दिसंबर के बाद से धूप हो ही नहीं रहा है, धूप निकल ही नहीं रहा, मतलब सूरज निकल ही नहीं रहा। और देख सकते हैं अभी हम राहुल ऊपर में हैं, बाकी सारे लोग जो है नीचे जग वगैरह बना रहे हैं, प्लेट व्लेट चढ़ाएँगे फिर ढकेंगे, तो देखते हैं कब तक में ये कंप्लीट होता है इतना। ये छत 1-2 और ये 3, ये नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि 1-2 वो करना ही करना है, तो देखते हैं। और इधर ये देख सकते हैं ये भी ख़राब हो गया था, ये बॉटम जो है थोड़ा 50 mm इधर को आना था, तो वहाँ एक सही कर दिए थे, ये बच गया था, तो ये मतलब अभी करना है इसको भी, तो इसको करेंगे, आ रहे हैं। जो मिस्त्री था वो गए हैं मतलब थोड़ा मार्केट, तो वो आ जाएंगे फिर ये कंप्लीट कर देंगे आज ही। तो अभी देखो काम करते हैं 9 या 10 बजे तक, देखते हैं कब तक में कंप्लीट होता है, तो करते हैं देखते हैं कब तक में कंप्लीट होता है। तो वैसे भी हो रहा है टाइम 9:50 और देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है, दोनों छत ये ढक चुका है और ये तो बाकी रह गया। और इधर का काम जो है ये मतलब बॉटम को थोड़ा इधर आना था तो वो नहीं कर पाए, तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है और ठंड भी लग रहा है, हवा चल रहा है, तो अभी चलते हैं खाना खाएंगे और थक भी गए हैं, तो खाना वाना भी खाना है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, तो चलते हैं यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर पैदल जाना होगा। तो गाइस अभी हो रहा है टाइम रात के 11 और अभी जस्ट जो है खाना वाना खा के सो रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रहा है, तो अभी सो लेते हैं क्योंकि कल सुबह उठना पड़ेगा सवेरे, और कल 7 जनवरी तो कल टिकट है घर जाने का, तो कल उठना पड़ेगा सवेरे और खाना वाना रास्ते के लिए बनाना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।